रोम के बारे में बचपन से हमें यही बताया गया है कि रोम के अंदर स्टोर डेटा को चेंज करना नियर टू इम्पॉसिबल होता है, लेकिन हमारी सारी मीडिया फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स एंड रिलेटेड डेटा हार्ड डिस्क में स्टोर होते हैं। तो फिर यार ये रोम किसे स्टोर करता है? अब कंप्यूटर टर्न ऑन होने पे सबसे पहला काम पोस्ट करता है, यानी कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, जिसमें ये चेक करता है कि सारे ड्राइवर सही सलामत वर्क कर रहे हैं या नहीं। ये ड्राइवर क्या होता है, व्हाट इज दिस? बताते हैं। तो जब भी हम अपने कंप्यूटर में माउस या फिर कीबोर्ड कनेक्ट करते हैं तो हमें तो पता रहता है कि ये माउस या फिर कीबोर्ड है, बट कंप्यूटर को थोड़ी पता रहता है कि उसके यूएसबी पोर्ट में माउस का वायर घुसा है या कीबोर्ड का। अब इन डिवाइसेस के साथ कैसे ऑपरेट करना है उसके लिए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, और इन्हीं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को ड्राइवर्स कहते हैं। और इन डिवाइसेस को कंप्यूटर में इनिशियलाइज करने के लिए बायोस से कनेक्ट होना पड़ता है, विच इज बेसिक इनपुट आउटपुट सर्विसेज, और यही बायोस रोम के अंदर स्टोर होता है।